हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे बीएसके विद्या सागर सिंह के यूट्यूब चैनल पर। मैं पहले भी मैम आप सभी को बताऊंगी वचन वचन क्या है और वचन के प्रकार और वचन के भेद बताऊंगी, ठीक है। वचन क्या है? वचन संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे देखिए, लड़की खेलती है, क्या है? लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती है, ठीक है। लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती, इसे ही क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। स्टार पॉइंट में देखिए क्या है। भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि की व्याकरण संबंधित श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। क्या है? भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि की व्याकरण संबंधित श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। एक, दो या अनेक आदि, ठीक है। अधिकांश भाषाओं में दो वचन ही होते हैं, ठीक है। अधिकांश भाषाओं में दो वचन ही होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। किंतु संस्कृत तथा कुछ और भाषाओं में द्वितीयवचन भी होते हैं, ठीक है। संस्कृत तथा कुछ और भाषाओं में द्वितीयवचन भी होते हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा क्या है? बहुवचन। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो एक वचन का जो मैं बताई, देखिए बारीकी से समझाएंगे यहाँ पे। देखिए, एक वचन जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, वस्तु, स्त्री, टोपी, बंदर आदि, ये सब क्या है? एक वचन। जिसमें एक एक ही आए उसमें क्या, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे सीता एक लड़की है, उसमें सीता एक लड़की है, तो वहाँ एक ही का हो रहा है ना, एक ही लड़की है, तो वो हो गया एक वचन। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से अनेकता, यानी बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी अनेक का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, यहाँ क्या था? लड़का। लड़का एक ही था, इसमें लड़के यानी कई सारे लड़के हो सकते हैं, ठीक है, कई सारे लड़के हो सकते हैं। छात्र, छात्राएं होता है ना, छात्र एक हो गया। गाय, गाय क्या है? अनेक है, उसमें बहुत सारे गाय हैं। एक गाय का मतलब एक गाय, यानी गाय, और बहुवचन गाय का मतलब एक वचन हो गया, और गाय का मतलब हो गया बहुवचन। कपड़े, टोपियां, मालाएं आदि, ये सब क्या है? बहुवचन का रूप है, यानी कई सारे इसमें है, इसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। तो इतना आप समझ चुके होंगे। तो अब मैं बताऊंगी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, जो मैं पीडीएफ द्वारा समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। जब आकारात के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है तो एक वचन से वह बहुवचन बन जाते हैं। जैसे जूता, जूते, तो जूता में देखिए क्या आया है? आ आया है, और जूते में ए। तो उसी तरह हमारा दूसरा एग्जांपल भी वही उसी तरह है। देखिए, तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे, कौवा, कौवे, केला, केले, पेड़ा, पेड़े, कुत्ता, कुत्ते, कमरा, कमरे। तो ये सब क्या है? ये सब आकार से एक आकार बनाने के
नियम थे, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, देखिए, जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए लगा दिया जाता है तो वह एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के उदाहरण इस प्रकार भी हैं, कलम, कलमे, बात, बातें। तो कलम कलमे में देखिए, कलम में अ है, उसमें कोई भी आकार एकार नहीं है, लेकिन कलमे ए, तो यहाँ क्या बोला था, अ की जगह में ए लगा दिया जाता है। रात, रातें, आँख, आँखें। पुस्तक, पुस्तके, किताब, किताबें। गाय, गायें। बहन, बहने, झील, झीले, सड़क, सड़के। दवात, दवाते। तीसरा नंबर में क्या है, देखें, जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए कर दिया जाता है तो एक वचन से वह बहुवचन बन जाता है। तो कविता, कविताएं, लता, लताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। कन्या, कन्याएं। माता, माताएं। भुजा, भुजाएं। पत्रिका, पत्रिकाएं। शाखा, शाखाएं। कामना, कामनाएं। तो यहाँ पर भी क्या बताया था, आकार की जगह में ए लग जाए तो वह एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। तो चौथा नंबर में भी उसी प्रकार है, देखिए, मतलब इसमें या और या लगा हुआ है। जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या लगा दिया जाता है तो वह एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। तो एक वचन से बहुवचन के उदाहरण इस प्रकार भी है, देखिए, बिंदियाँ, बिंदियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। डिबिया, डिबियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। चूहिया, चूहियाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। लूटिया, लूटियाँ। गैया, गैयाँ। कुतिया, कुतियाँ। तो इसमें भी क्या था, देखिए, या की जगह में यहाँ लग जाता था, ठीक है, यहाँ। पांचवा नंबर में है, जब इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों या लगाकर दीर्घई को ह्रस्वई कर दिया जाता है तो वह एक वचन से बहुवचन बन जाता है। तो एक वचन से बहुवचन के उदाहरण इस प्रकार भी है, नीति, नीतियाँ, है ना। देखिए, हर्षिकार से दीर्घिकार भी बनाया जाता है, ठीक है। हर्षिकार से दीर्घिकार और हर्षिकार को यहाँ लगाकर हर्षिकार और दीर्घिकार बना दिया जाता है। नारी, नारियाँ। गति, गतियाँ। थाली, थालियाँ। रीति, रीतियाँ। नदी, नदियाँ। लड़की, लड़कियाँ। घुड़की, घुड़कियाँ। चुटकी, चुटकियाँ। टोपी, टोपियाँ। सखी, सखियाँ। जब हर्षौ, दीर्घौ, आ, अ, हर्षई, दीर्घई और ओ की जगह पर ए कर दिया जाता है और दीर्घौ को हर्षौ में बदल दिया जाता है तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। वह इस प्रकार भी है, देखिए, एक वचन से बहुवचन के उदाहरण इस प्रकार भी है, वस्तु, वस्तुएं। गो, गोएं। बहु, बहुएं। वधु, वधुएं। गऊ, गऊएं। लता, लताएं। माता, मताएं। धातु, धातुएं। धेनु, धेनुएं। लू, लुएं। जू, जुएं। जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है तो वह एक वचन से बहुवचन इस प्रकार भी बन जाती है, साधु, साधु लोग। यहाँ पे क्या बताया है, जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है तो यहाँ देखिए लास्ट में ही जोड़ा गया, ठीक है, साधु, साधु लोग। बालक, बालक गण। अध्यापक, अध्यापक वृंद। मित्र, मित्र वर्ग। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। सेना, सेना दल। आप लोग। गुरु, गुरुजन। श्रोता, श्रोताजन। गरीब, गरीब लोग। पाठक, पाठकगण। अधिकारी, अधिकारी वर्ग। आठवां नंबर में है, जब
एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं। जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं तो एक वचन से वह बहुवचन के उदाहरण इस प्रकार भी हैं, वह भी एक वचन से बहुवचन बन जाता है, यानी सेम सेम अगर रहे दोनों तो राजा राजा, नेता नेता, पिता पिता, चाचा चाचा, क्षमा क्षमा, प्रेम प्रेम, बाजार बाजार, दादा दादा, जल जल, गिरी गिरी, योद्धता योद्धता, फल फल, पानी पानी। तो 9 नंबर में क्या है, देखिए, जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाता है, जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाता है वह भी एक वचन से बहुवचन बन जाता है, ठीक है। वह एक वचन से बहुवचन के उदाहरण इस प्रकार भी है, भाई भाई भाई, बहन, देखिए बहन है एक, फिर इसे दो बार इसे रिपीट किया गया, बहन बहन, गांव गांव गांव, घर घर घर, शहर शहर शहर, आदि। तो ये सब क्या है, ये सब था वचन। तो वचन के हमने ये इतने सारे भेद और इसके